इंडियन क्रिकेट में इस वक्त सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर जिस जगह से निकल करके आ रहे हैं वो जगह है जम्मू एंड कश्मीर। और पिछले कुछ वक्त में चाहे उमरान मलिक हो, वसीम बसीर हो, नासिर लोन हो, बहुत सारे तेज गेंदबाज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से निकल करके आए हैं। वो टॉप लेवल पर नहीं आ पाए, IPL नहीं खेल पाए या अपनी रणजी ट्रॉफी टीम के लिए भी नहीं खेल पाए। और इस वक्त इंडिया की टीम को सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो है तेज गेंदबाज की, 150 के आसपास की गति से गेंदबाजी कर सके और बल्लेबाजों को डरा करके आउट कर सके। तो इस बार जम्मू एंड कश्मीर की टीम में कुछ ऐसे खतरनाक गेंदबाज आपको दिखाई देने वाले हैं रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके कप्तान की, शुभम खजूरिया, जो इस बार उनको लीड करते हुए नजर आएंगे। अब्दुल समद, इनके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है क्योंकि जितना टैलेंट पोटेंशियल इनके पास था उतना ये ना तो IPL में अभी तक डिलीवर कर पाए ना इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया। प्रॉमिस बहुत दिखाया लेकिन अब शायद वो प्रॉमिस को फुलफिल करने का नंबर आ गया है। तो लाइक मेक और ब्रेक सीजन जो है वो इनके लिए इस बार होने वाला है। उसके अलावा बात करें तो विभ्रांत शर्मा भी बड़े प्रॉमिसिंग बैट्समैन रहे हैं। उसके बाद बात होगी उमरान मलिक की, और उमरान मलिक के लिए ये सीजन अब तक जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेली है, IPL में क्रिकेट खेली है, उससे एक चीज समझ में आती है कि तेज गेंदबाजी तो करते हैं बट कंट्रोल नहीं है, वो लाइन लेंथ पर कंट्रोल नहीं है, कंसिस्टेंट गेंदबाजी नहीं कर सकते, उसकी वजह से कई बार महंगे भी जाते हैं। तो ये रणजी ट्रॉफी का सीजन अगर वो पूरा खेलते हैं और अच्छा सीजन उनके लिए जाता है स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में, तो उनके लिए बहुत बेहतर चीज होगी, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर चीज होगी, क्योंकि कंट्रोल्ड पेस और अच्छे एरिया में गेंदबाजी करके आप एक बेहतर गेंदबाज हो सकते हैं। जैसा कि उनके बारे में मुथैया मुरलीधरन ने भी हाल फिलहाल में बोला था कि टॉप लेवल पर सक्सेस होने के लिए सिर्फ पेस सब कुछ नहीं है, आपको एज अ गेंदबाज भी और सारी चीजें अपने गेम में डेवलप करनी पड़ेंगी। तो उमरान मलिक के लिए कुछ उस तरह का सीजन रहने वाला है। उसके अलावा आप बात करें तो आकिब नबी जो एक ऑलराउंडर हैं तो यहां पर आपको दिखाई देंगे, फाजिल रशीद एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन, नासिर लोन जो है वो भी एक ऑलराउंडर की तरह से खेलते हैं, उसके अलावा शुभम पुंडीर, और मेन जो आखिरी नाम आपको यहां पर दिखेगा वो है वसीम बसीर का। और वसीम बसीर वो ऐसे गेंदबाज हैं जो उमरान मलिक के बाद सबसे तेज गेंद फेंकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो 145 की स्पीड से लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं, और इसी की वजह से इनका नाम जो है पिछले सीजन हाईलाइट हुआ था। IPL के लिए भी कुछ टीमों ने इनको ट्रायल के लिए बुलाया था लेकिन अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए। अब इनको पहला मौका मिल रहा है रणजी ट्रॉफी में अपने जौहर दिखाने का, और अगर वहां पर ये सक्सेसफुल होते हैं तो जरूर इनका नाम आगे चल के निकलेगा। और अच्छी चीज ये कि इनको जहां से अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो है रेड बॉल क्रिकेट, अदरवाइज हमने देखा है कि तेज गेंदबाजों को हम T20 क्रिकेट में पहले ले आते हैं, उससे कई बार उनके आगे जाने में दिक्कत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं MP के स्क्वाड की, और MP के स्क्वाड में आदित्य श्रीवास्तव कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, रजत पाटीदार उस स्क्वाड का हिस्सा है, शुभम शर्मा है, यश दुबे हैं, तो एक अच्छा बल्लेबाजी क्रम आपको यहां पर दिखाई देगा। हिमांशु मंत्री भी उस बल्लेबाजी क्रम का हिस्सा है, और पिछले कुछ सालों में जो MP ने डोमेस्टिक में जबरदस्त क्रिकेट खेली है उसकी वजह उनकी टॉप और सॉलिड बल्लेबाजी रही है, इसीलिए पिछले कुछ सालों से ये लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे और ये सारे बल्लेबाज लगातार रन बना रहे हैं। सो एज अ बैटिंग यूनिट ये बड़ी कमाल की टीम है। उसके बाद गेंदबाजी की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट में कुमार कार्तिकेय का प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है, मिहिर हिरवानी का इंक्लूजन यहां पर हुआ है, साथ में आप सारांश जैन की बात करें जो एज ऑलराउंडर भी खेले और एज ऑफ स्पिनर भी काफी इंप्रेसिव पिछले कुछ सालों में रहे। अब गेंदबाजी में आवेश खान का कद जिस तरह से बढ़ा है इंडिया के लिए, शायद वो टेस्ट मैचेस में डेब्यू भी कर सकते हैं, और रणजी ट्रॉफी का सीजन उनका पिछला बहुत अच्छा गया था, ओवरऑल रेड बॉल क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी गई है जो अब तक उन्होंने MP के लिए खेली है, और साथ में कुलवंत खजरोलिया को ये दिल्ली से यहां लेके आए तो वो भी अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। ऑल एंड ऑल MP की टीम काफी अच्छी नजर आ रही है, और इस बार जो नजर रहेगी वो शायद रजत पाटीदार पर रहेगी। IPL के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इंडिया खेल चुके हैं, इंडिया प्लेयर हो चुके हैं, जिस तरह का प्रदर्शन और ग्लिम्सेस उन्होंने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में दिखाई थी, तो यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो जो कंटिन्यूटी बनी रहती है ना उससे आप लोगों की मेमोरी में रहते हैं, सेलेक्टर्स की भी मेमोरी में रहते हैं, तो रजत पाटीदार उस हिसाब से अगर अच्छा करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। साथ में आवेश खान रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को अगर ऊपर लेके जाना है या
इंडियन टीम का परमानेंट मेंबर बनना है तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब तो आपको जरूर करना है, लेकिन यहां पर भी करते रहेंगे तो आप रेस में जरूर बने रहेंगे। और वेंकटेश अय्यर रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि अच्छी चीज है, एज ए बैट्समैन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज ए बॉलर जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, और शायद उसका बड़ा रीजन जो है ना वो इंपैक्ट प्लेयर रूल है, और इंपैक्ट प्लेयर रूल ने बहुत सारे बल्लेबाजों को उनकी गेंदबाजी छुड़वा दी है, उसमें से एक वेंकटेश अय्यर भी है। उसके बाद बात करें हम रेलवेज की टीम की, तो रेलवेज की टीम में दो चार खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें बात करें हम उपेंद्र यादव की, तो उपेंद्र यादव का पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है तीनों फॉर्मेट में। उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी रन बनाए हैं, रेड बॉल क्रिकेट से भी रन बनाए हैं, और साथ में T20 क्रिकेट में भी, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का भी हिस्सा वो हैं, तो उन पर जरूर नजर रहेगी, बिकॉज हाल फिलहाल में वो इंडियन टीम के सिलेक्शन के भी नजदीक आए थे लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाई। करण शर्मा जो है वो अभी भी इस टीम का हिस्सा है। उसके अलावा बात करें मोहम्मद सैफ का प्रदर्शन हाल फिलहाल जो है वो काफी अच्छा रहा है। उसके बाद हम अगली टीम की बात करें, सौराष्ट्र की टीम, तो सौराष्ट्र की टीम ने मुंबई के जो वर्चस्व को तोड़ा वो मुझे लगता है अपने आप में बड़ी कहानी पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट में रही है। अदरवाइज मुंबई लाइन से रणजी ट्रॉफी के खिताब जीतने वाली टीम थी, अभी भी मुंबई मजबूत टीम है लेकिन सौराष्ट्र एक दूसरी मजबूत टीम बन के निकली है, और उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है जयदेव उनादकट का। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने जो भी किया हो, जो भी उनकी अचीवमेंट रही हो, जिस तरह का भी खेल उन्होंने खेला हो, या आईपीएल में उन्होंने जिस तरह का खेल खेला हो, बट इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने इस टीम को बनाया, जिताया, चैंपियन बनाया, उसमें उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, और डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे लगता है कि जयदेव उनादकट बहुत बड़े प्लेयर हैं आज की डेट में। और इसी तरह से कई जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं अगर टॉप लेवल पर जाकर के उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डोमेस्टिक में आने वाले खिलाड़ियों को अच्छा गाइडेंस दें सो दैट अपनी टीम बेहतर बना सके, और प्लेयर्स की ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीनियर प्लेयर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, जिस तरह से जयदेव उनादकट ने प्ले किया है। उसके बाद इसमें हार्विक देसाई भी हैं, और एज अ विकेट कीपर बैट्समैन पिछले कुछ साल से लगातार रन बना रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेके अब तक, लेकिन इनको भी एक ब्रेक थ्रू सीजन चाहिए जहां पर 1000 रन आए, 5-6 सेंचुरी लगे, उस तरह का सीजन शायद आपको सेलेक्टर्स के ध्यान में जरूर डालता है कि हाँ ये भी कोई खिलाड़ी है जो कई सालों से अच्छा कर रहा है, तो उस तरह का सीजन हार्विक देसाई को भी चाहिए होगा। अदरवाइज हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं फिर भी आईपीएल में पिक नहीं हुए और हर जगह रन बना रहे हैं। आप देखिए कि इंडियन टीम में तो अभी सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं है, बट आईपीएल में पिक होना ये जरूर डिजर्व करते थे। सेल्डन जैक्सन 36-37 साल के हो गए हैं, अभी भी खेल रहे हैं। चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में वापसी की कोशिश में लगे हुए हैं, तो रणजी ट्रॉफी का सीजन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि वहां पर रैकनिंग में बने रहे। अर्पित बांसवाड़ा, चिराग जानी और प्रेरक मांकड़ के रूप में दो ऑलराउंडर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। युवराज सिंह डोडिया ऑफ स्पिनर जो पिछले सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए थे जब सौराष्ट्र की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था, और उसके बाद आपको कई सारे जडेजा यहां पर देखने को मिलेंगे, धर्मेंद्र जडेजा, आदित्य जडेजा, विश्वराज जडेजा, और उसके अलावा पार्थ भूत जो लेफ्ट आर्म स्पिनर साथ में बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था, तो आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और स्नेल पटेल। तो सौराष्ट्र का भी स्क्वाड ओवरऑल काफी अच्छा दिख रहा है, कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म करके टीम को एक बार फिर से उस स्टेज पर लेके जा सकते हैं जहां पर टीम चैंपियन बन सके। और एक्चुअल में सौराष्ट्र इस वक्त डोमेस्टिक की सबसे मजबूत टीमों में से एक टीम है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्विसेज की टीम की, और सर्विसेज की टीम के खिलाड़ियों को एक वक्त तक तो एक पार्ट टाइम खिलाड़ी की तरह देखा जाता था, बहुत रेयरली कोई खिलाड़ी ऐसा रहा है जो इंडिया के लिए सर्विसेज से जाकर के खेला हो, तो उसी कड़ी में कुछ ही खिलाड़ी आपको यहां पर भी दिखेंगे जो नोटिसबल परफॉर्मेंसेस जिनसे इस बार आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें एक नाम मैं कहूंगा विनीत धनखड़ का, बहुत ही जबरदस्त डेब्यू इस साल व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनसे देखने को मिला। 78 गेंद पर जो उन्होंने 102-104 रन की पारी खेली थी, जिस सिचुएशन से खेली थी, 19 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी, तो बहुत इंप्रेसिव डेब्यू था उनका। साथ में पुलकित नारंग की बात करूंगा, जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी ओवरऑल पिछले कई सालों से की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम में जगह है नहीं,
कई बार आप गलत वक्त पर खेल रहे होते हैं और जब जगह नहीं होती नेशनल टीम में तो फिर आप सिर्फ डोमेस्टिक खेलते हुए रह जाते हैं, आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी शायद आप डिजर्व करते थे या किसी और वक्त में आप खेलते तब आपको मिल सकती थी। तो यही दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं सर्विसेज की टीम में जिन पर नजर रह सकती है। उसके अलावा रजत पालीवाल बहुत वक्त से खेल रहे हैं, अंशुल गुप्ता, विकास आतवा, रवि चौहान, शुभम रोहिल्ला एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इनकी टीम के। तो ये ओवरऑल स्क्वाड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक हम बात कर चुके हैं 17 टीमों के स्क्वाड की और अगले वीडियो में जो बाकी बचे हुए टीमों का स्क्वाड है वो हम लेके आएंगे। अभी तक ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं।